लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लगातार सत्ता पक्ष का एनडीए हो या फिर विपक्ष का इंडिया जोड़ तोड़ की राजनीति दोनों ही दलों की ओर से देखने को मिल रही है। वही एनडीए फिर विपक्ष को झटका दे सकता है। एनडीए में तीन और क्षेत्रीय दल शामिल हो सकते हैं। इन दलों में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का नाम भी सामने आया है। इसी को लेकर प्रामसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद से जनता टीवी ने खास बातचीत की। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में गठबंधन होने के बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए में शामिल होने की बात आ रही है, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहेंगे। स्वागत है जनता टीम आपका। आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, लगातार कयास लगाया जा रहा है कि आप एनडीए में जो है शामिल होने जा रहे हैं, लगातार बात आपकी चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या कहेंगे? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने जा रही है, यह सत्य सूचना है। इस संदर्भ में 19 जुलाई को गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से बातचीत भी हुई है और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में गठबंधन की सहमति बनी है। जल्द ही इसका विधिवत ऐलान भी दिल्ली में होगा। लगातार अखिलेश दावा कर रहे हैं कि 80 में से 80 सीट जो है जीतेंगे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अखिलेश का दावा पूरी तरह से गलत है और इस बार जिस तरह से एनडीए का विस्तार हो रहा है और जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जनाधार रखने वाली पार्टियां एनडीए में शामिल हो रही हैं, एनडीए को भारी यहां पर सफलता मिलेगी। अखिलेश की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट जीत लें वही बड़ी बात है। तो क्या लगता है, अगर एनडीए के साथ आपकी बात बनती है तो आप क्या मांग रखेंगे? एनडीए के साथ बात बनती है तो हम समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए। इसके साथ ही साथ युवाओं के रोजगार के लिए हम मांग करेंगे कि जो भी प्रदेश पिछड़े हैं या जो भी अंचल पिछड़े हैं उनमें कल कारखाना फैक्ट्री कंपनी लगा करके युवाओं को रोजगार दिया जाए, मनरेगा सहित समस्त मेहनत का श्रमिकों को उचित मजदूरी दिया जाए, यही सब बात मांग हम उनके सामने रखेंगे। क्या लगता है आपको एनडीए विपक्ष को पछाड़ पाएगा? एनडीए विपक्ष को पछाड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद, जिनका साफ तौर पर कहना कि हमारी बात चल रही है, बहुत जल्द जो है एनडीए में शामिल होंगे और जो भी आगामी लोकसभा जो चुनाव है उस पर जीतने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही।